आप दरबार आ गए हो तो इनके दोनों पैर बच गए, नहीं इनके दोनों पैर कटते, दोनों पैर। डॉक्टर ने बोला भी होगा आपको, बोला हाँ वो डालने के लिए बोला, बोला उसमें घोड़ा डलेगा। हम बता रहे हैं ना डॉक्टर साहब, इनके दोनों पैर ही काटते बाद में। गुरुजी प्रणाम। खूब खुश रहिए। परम पूज्य माता कामाख्या देवी, परम पूज्य सदगुरु बाबा और गुरुजी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। खुश प्रसन्न। इस दरबार को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि हमारे क्षेत्र से इस लायक दरबार ने समझा कि हम हमारे को बाबा ने अपने दरबार में बुलाया। खुश प्रसन्न। इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। बाबा मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, दरबार ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है और ये मेरी धर्मपत्नी है और ये बच्चा है, इसको प्लीज़ बाबा आप देख लो, हम इतना ही जानते हैं बाबा। आपकी पत्नी ऐसे बनती जा रही थी, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम, स्मृतियाँ, ब्रेन हेमरेज की स्मृतियाँ, अल्जाइमर की स्मृतियाँ, ग्लूकोमा की, चेस्ट में गांठों की स्मृतियाँ, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, पूरे शरीर में खून में पानी की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, यूरिन इन्फेक्शंस, यूरेटर में इन्फेक्शन, पूरी बॉडी कैंसरस बनी हुई है ना बाबा। डॉक्टर ने बोला हुआ है यूट्रस में भी कैंसर। हाँ बोलिए। डॉक्टर ने बोला हुआ है कि इनके लीवर डैमेज होगा और हाँ बोला ना यूट्रस में लीवर में सब कैंसर, हाँ पानी भर गया आप, और इसकी दोनों पीछे की हड्डियाँ भी खराब हो गई है। इस चित्र बना हुआ देख नहीं रहे आप, इसको देखिए आप ढंग से। सही है गुरुजी, सब बना हुआ है, जो जो इन्हें रोग कष्ट सब बने हुए। सही है गुरुजी, और उन्होंने बोला कि एडमिट कराओ, इसमें नए वो डालेंगे। मैं बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, डॉक्टर साहब तो अपनी कलाकारी करेंगे, मैं दरबार ले जाऊंगा, जो भी करेंगे माँ बाबा और गुरुजी करेंगे। ये जो लाल घेरे में अंदर लिखा हुआ है सब इन्हीं के रोग कष्ट, इनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई सब, पढ़ लीजिए देखो यही सब है इनको कि नहीं। यही गुरु जी धन्यवाद, यही सब था। अब सब स्मृतियाँ इनकी नष्ट हो गई, जो असाध्य स्मृतियाँ हैं वो अभी दरबार की उससे एक महावन की स्लिप मिलेगी, एक दिवसीय महावन निशुल्क है वो, कर लीजिएगा इनका लोगों का संकल्प लेकर। तीनों का गुरु जी? हाँ गुरुजी, कई लोग रखे आपने डीएनए? तीन ही है गुरु जी। तो अपने को रखिएगा, दोनों लोग रख लीजिएगा, तीनों लोग रहिएगा संकल्प। ठीक है गुरु जी, ठीक है कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट है गुरु जी। हाँ बोलिए। हमारे कोई खाना बनाने वाला नहीं है, इसकी ये थोड़ी चलने की, ये चला नहीं जाता, इससे कुछ नहीं होता, चार पाई देखो बात सुनो। आप दरबार आ गए हो तो इनके दोनों पैर बच गए, नहीं इनके दोनों पैर कटते, दोनों पैर। डॉक्टर ने बोला भी होगा आपको, बोला हाँ वो डालने के लिए बोला, बोला उसमें घोड़ा डलेगा। हम बता रहे हैं ना डॉक्टर साहब, इनके दोनों पैर ही काटते बाद में, कोई उपाय नहीं था। अभी वो स्मृतियाँ नष्ट हो गई, सब दरबार ने की नष्ट, जब दरबार देख रहा है वो बता रहे हैं आपको, भविष्य दोनों पैर नहीं होते और दोनों कूल्हे इनके सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, समझो ऐसे समझो। बिल्कुल गुरु जी। हाँ अभी फाड़ के काट के पहले का कूल्हा डालेंगे, क्या क्या डालेगा, राइट रीढ़ की हड्डी भी चली जा चुकी है इनकी, जा चुकी है। अभी ये बहुत आराम में खड़ी हैं, अभी ये खड़ी हुई हैं जी, ये बहुत आराम में है, मतलब 95% आराम में खड़ी हैं। आराम है गुरु जी। जी हाँ। भयानक कष्टों से बाहर निकली एक ही दिन में, सेम डे चला नहीं जा रहा था गुरुजी इनसे, कल परसों अभी चल पाए। हाँ दो तीन दिन में बहुत बुरी हालत थी इसकी, हाँ। कंडीशन बहुत खराब थी, फेफड़े फेफड़े सब गल चुके हैं अंदर, हाँ। इनकी बहुत बुरी हालत है इनके शरीर, बस समझो कि दरबार आ गए तो जिंदा हो गई दोबारा ये। थैंक यू गुरु, इतना समझो आप। गुरु जी थोड़ा सा दरबार की हो जाए, सूक्ष्म इसके अड्डे वगैरह हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए गुरु जी, खाना बनाने वाला कोई नहीं गुरु जी। क्या कहें, सूक्ष्म अंग सभी कुछ हो चुका, अब कुछ करने लायक बचता नहीं ना, हमारे करने लायक हम कुछ करते ही नहीं, आपकी प्रार्थना आपके संकल्प के अनुसार सब होता है ना, जो भी आप प्रार्थना संकल्प करते हो वही होता है। गुरु जी इस बच्चे की और इसकी एक मिनट नहीं बनती गुरु जी, एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे अपनी अपनी बात करें प्लीज़। थैंक यू अपनी अपनी बात करें, सबका अपना अपना ठीक हो चुका है। अब आप लोग भूतकाल की एक दूसरे की बातें करोगे, इसको ये होता है उसको वो होता है, वो कहेगा ये ऐसा करते हैं वैसा, सब भूतकाल। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, अब कोई कष्ट बचा आपको शारीरिक मानसिक कुछ भी नहीं।
डिप्रेशन तुम्हारा गया, एंजाइटी डिसऑर्डर गया, बाइपोलर डिसऑर्डर तुम्हारा नष्ट हुआ, बुद्धि बंधी रहती थी, मौके पे काम नहीं करती थी, अब एकदम अच्छे हो, हर काम कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, कॉन्फिडेंस आपका बहुत लो था, हाइपर एक्टिव थे, जल्दी तैश में आ जाते थे, ये सब स्मृतियाँ नष्ट हुई, बाहर संबंध खराब हो जाते थे इसके कारण, है ना। आप सब अच्छा अच्छा रहेगा, हमेशा अच्छा है, ठीक है, खुश रहो, खुश रहो बेटा, प्रसन्न। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। मैं शरीर से बहुत दुखी हूँ, मेरे को पैदल चला दो। लेकिन अभी बहुत आराम में खड़ी हो, जिस कष्ट में आई थी वो कष्ट नहीं है, ऐसे जैसे खड़ी हो ऐसे खड़ी नहीं हो सकती थी बिना सारे। ये छुटवा दो मेरा, वैसे पैदल चला दो, हटाओ इनके, ऐसे हटा दो, ये हटाइए, इसकी कहाँ जरूरत है, कहाँ इसकी जरूरत है, वो तो आदत में है कि लिए खड़ी हो तो लगता है इसके बगैर जी नहीं पाएंगे, ऐसे खड़ी नहीं हो सकती थी, खड़ी हो जैसे टनाटन, पूरे शरीर में आपके पस ही पस भरा है, मवाद ही मवाद है, पानी ही पानी है, खून नहीं है, ऐसे समझो, एक एक रोया सड़ रहा था, गल रहा था, आज आप बहुत अच्छे हो, खड़े हो, स्मृतियाँ सब नष्ट हुई हैं, ठीक है। प्रार्थना संकल्प करना है, अपना लेपन करना है, बाबा माँ की शरण में रहना है, जितना गहराई से संकल्प करके प्रार्थना संकल्प करोगे, गहरे से जुड़ के श्रद्धा आस्था विश्वास से आप लोग, उतने अच्छे होगे, उतने ही बात है, जितना अंदर चम्मच जाएगा उतने ज़्यादा घी निकलेगा उसमें, नहीं ऊपर ऊपर करोगे तो ऊपर ऊपर घी निकलेगा थोड़ा, जितना गहरे में उतरोगी दरबार के, जितनी आस्था विश्वास श्रद्धा गहरी होगी तभी दरबार से कुछ ले पाओगे, नहीं दरबार से हवा में नहीं मिलता, आपके संकल्प से, आपके प्रार्थना से, आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा से मिलता है। अगर बचना है, जान बचानी है तो डॉक्टरों से बचना है तो गहरे से संकल्प, हैं, हाँ, ऊपर ऊपर नहीं, और लेपन करना है एक दिन सिर पे, एक दिन पेट पे, ठीक है। अब आप चलने दीजिए, काहे पकड़ रहे हैं उनको भाई, काहे के लिए भगुआ बना रहे हैं, गुड़िया बना रहे हैं उनको, चलने दीजिए उनको थोड़ा, चलिए नेक्स्ट परिवार लाए, एक लोग साथ में रहे उनके पास पास, बाकी चलने दीजिए, खुद ही चलेंगे। दिमाग में वाकर है ना, अभी वाकर निकल जाएगा, उल्हा कूल्हा सब चले गए, तभी सब करने लगेंगे, चिंता मत करो, मृत्यु से बाहर निकली।